राणा शमीम का जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तारीख जो है फर्द जुर्म आयद करने की तो उन्होंने आगे कर दी है 20 जनवरी को, लेकिन आज अटारनी जनरल जो कि अब प्रोसिक्यूटर भी हैं इस केस में, उन्होंने कोर्ट से ये कहा है कि जी ये जो साफी है इनको तो जरा अभी छोड़े, आप सिर्फ राणा शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दे। इसका क्या मतलब है? पहले तो वो सुलंगी साहब, बात ये है कि पहले जब ये इंडिक्टमेंट का वक्त आया था तो पूछा था जज साहब, क्योंकि एज एमिकस क्यूरे, कि जी आप बताएं कि किसके ऊपर ये लगना चाहिए जर्म फर्द, तो ये जुर्म, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था मीडिया को भी इस पर डाले, बड़ा सख्ती के साथ कहा था मीडिया को डाले। अब भी एक यू टर्न हो गई है। अब ये यू टर्न क्यों हुई है मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में मेरी चिड़िया की खबर है कि वो जो सहाफ़ी, चुने चुने सहाफ़ी जो कि बड़े इमरान खान साहब के हमायती थे और अंडर अवामी प्रेशर, वो आके अब कुछ एक क्रिटिकल किस्म का तजिया करना शुरू कर दिया था और खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया था। खान साहब ने कांटेक्ट किया उनके साथ और उन्हें कहा कि डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ, तो आप आके मुझे मिलें और कोई ऐसी बात नहीं है, डोंट लीव मी। तो देर इज़ एन एफर्ट नाउ कि ये मीडिया जो इतना खिलाफ हो गया है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने क्रैकडाउन किया है, और अब हम क्रैकडाउन जो है ना ये काउंटर प्रोडक्टिव। इसका इशारा शेख रशीद साहब ने दिया था, आपने शायद याद करें, दो दिन पहले शेख साहब ने फवाद चौधरी को ये समझाया से कहा था कि ओए यार, मैं एक बारी नहीं तीन बारी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रहा, ऐ मीडिया के साथ ना करो ऐसे, पर्सनल ना हो जाओ, मीडिया के साथ बना के रखो। और फवाद चौधरी को ये शायद अकल आ जानी चाहिए कि आज फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, कल ये मीडिया इसको ठीक ठाक सॉर्ट आउट करेगा। तो ऐसे ना करें कि लोग फिर अपनी इंतकामी कार्रवाई करें, अपना काम करें, इससे आगे बढ़ बढ़ के ना चौके छक्के मारने की कोशिश करें, बिकॉज फिर वो आप पर्सनल हो जाते हैं और दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो शेख साहब ने ऑलरेडी एडवांस वार्निंग दे दी, तो मेरा ख्याल है यही एडवाइस खान साहब को भी मिली होगी, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब अटॉर्नी जनरल को कहा गया है ना यार ये इनको ना करो, बिकॉज देखिए अगर खान साहब की छुट्टी होती है ना तो सबसे पहले जो इस दौर में जिस एक मीडिया ग्रुप को पिटाई की है वो है जियो जंग ग्रुप, इनके साथ हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया है और इनके साथ ज्यादतियां की हैं इस हुकूमत ने, और खान साहब ने अपने गुस्से जो है निकाले हैं। मुझे तो हैरत अंगेज में होता हूँ कि भाई ये वो ग्रुप है जिसने इमरान खान की को बनाया, जिसने उठाया, जिसने इमरान खान को प्रमोट किया, और ये वही इमरान खान है जिसने इनको कचल करने की कोशिश की। तो अब बात यह है कि मेरा ख्याल है जब खान साहब बाहर आएंगे तो उनको अब समझ आनी शुरू हो गई है कि अब मीडिया के साथ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बाहर जाने वाला हूँ और बाहर तो मुझे फिर इनके पास ही जाना पड़ेगा, इनकी हमदर्दियाँ लेनी पड़ेंगी, तो ये ना हो कि ऐसे ना हो। मैं सिर्फ आपको जाते जाते एक चीज़ का हवाला दे दूँ, हमारा पाकिस्तान का मीडिया जब जनरल मुशर्रफ के बड़े हक में था जनरली स्पीकिंग, बिकॉज उन्होंने कुछ अच्छी पॉलिसीज का किया था, और मियाँ साहब जो थे जब निकाले गए तो उस वक्त वो एक फेरोनिक किस्म की हैसियत हो गई थी उनकी, मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन था, बहुत कुछ था, तो किसी मीडिया ने किसी के आंसू नहीं बहाए जब मियाँ साहब की छुट्टी हुई थी उस वक्त, और जनरल मुशर्रफ को बड़े लोगों ने वेलकम किया था। और आपने याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने ये जो टेलीविजन 100 चैनल्स आए जनरल मुशर्रफ की बदौलत आए, उनको उनका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने खोल दिया था, ना मोहतरमा ने खोला था ये लाइसेंसिंग सिस्टम, ना नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि मुशर्रफ साहब को पता था कि मीडिया उनको सपोर्ट करेगा, और बहुत अरसे तक मीडिया उनको सपोर्ट करता रहा और बहुत बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ के खिलाफ था। मगर आखिर में जब मुशर्रफ साहब ने ये जज साहब के खिलाफ कार्रवाई की तो मीडिया ने फिर तनकीद शुरू की, और उस वक्त मुशर्रफ ने क्रैकडाउन किया, जियो के ऊपर क्रैकडाउन किया, जर्नलिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन किया, 3 चैनल्स को बंद कर दिया जिसमें जियो भी एक चैनल था, आज था, एंड सो ऑन, उनको बंद कर दिया। तो उस वक्त फिर मीडिया मुशर्रफ के खिलाफ हो गया, और मुशर्रफ को इस बात का जब समझ आई कि ओहो ये तो मेरे से गलती हो गई और ये ना हो कि मैं चला जाऊं और फिर ये मेरे, तो फिर मुशर्रफ ने भाग दौड़ करके नहीं 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 खोल दो खोल दो खोल दो। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ भी उसी किस्म की सूरत हाल है कि अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया यार मीडिया को ना करो, अब हमेशा जिनकी जरूरत पड़ेगी आगे तो ये भूलेंगे नहीं, हाथ और नहीं रखो।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेठी साहब, सोलंकी साहब और नाजरीन, आपके कमेंट्स और आपके मुख्तलिफ पार्टिसिपेशन का भी शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल फिर आपको आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।